नमस्कार दोस्तों, जिसका डर था वही हुआ। नेपाल का बहुत बड़ा नुकसान हुआ, वो भी रशिया की वजह से। और फिर क्या था, नेपाल ने रशिया को थोड़ा खरी खरी सुनाई। और ये गलत इसलिए था कि रशिया नेपाली को मौत के मुंह में ढकेल रहा है, और इसीलिए नेपाली गवर्नमेंट ने बहुत सारे स्ट्रिक्ट एक्शन लिए। और नेपाली सरकार का ये एक्शन काफी देर बाद देखने को मिला है, जब 6 नेपाली लोग मर गए, नेपाली यूथ मर चुके हैं। और ये इसलिए हुआ क्योंकि रशिया नेपाली को रिक्रूट कर रहा है और यूक्रेन युद्ध में सीधे सीधे तौर पर झोंक रहा है। नेपाल की गवर्नमेंट ने पहले तो इस पर कोई सख्त हिदायत नहीं दी थी, लेकिन अभी देखने को मिला कि काफी सख्त हिदायत नेपाल ने रशिया को दी है, लेकिन रशिया की तरफ से इस पर कोई भी जवाब नहीं है। इसको लेकर नेपाल की गवर्नमेंट एडवाइजरी जारी की, साथ ही साथ अब रशिया जाना भी मुश्किल होगा नेपाली लोगों का, क्योंकि यहाँ पर एक NOC की रिक्वायरमेंट होगी कि रशिया अगर आप लोग जा रहे हैं, जो कि आपको मिलेगी मिनिस्ट्री ऑफ फॉरेन अफेयर्स की तरफ से, और उनकी NOC के बाद ही आप लोग रशिया जा सकते हैं काम करने के लिए। क्योंकि यहाँ पर एक बड़े लेवल पर स्कैम भी चल रहा है, नेपाली यूथ्स को यहीं पर बैठे बैठे रशियन आर्मी में ज्वाइन करवाने की कोशिश की जा रही, यहाँ से भेजा जा रहा है, जिससे वो लोग पैसे की तंगी के चलते मौत के मुँह में जा रहे हैं। और एक बड़े लेवल का स्कैम भी हो रहा है, यहाँ पर पूरा एक नेटवर्क बन चुका है, जहाँ पर अभी 10 से 12 लोगों को गिरफ्तार किया गया है नेपाल में, जो कि नेपाली यूथ्स को रशिया भेज रहे हैं, वहाँ पर उनकी जान को जोखिम में डाल रहे हैं। रशिया यूक्रेन की बात करें तो ये युद्ध करीबन 1 साल 9 महीने से चल रहा है, और इसका कोई भी डिसीजन आने वाले कुछ सालों तक नहीं आने वाला है। लेकिन यहाँ पर बेकार में ही नेपाल के यूथ की जान जा रही है। रशिया यहाँ पर अपने फायदे के लिए फॉरेन लोगों को बहुत बड़े बड़े लालच दे रहा है, जिसके चलते ही नेपाली लोग यहाँ पर जा रहे हैं रशियन आर्मीज में। लेकिन नेपाल की सरकार ने भी काफी ढीले ढाले एक्शन लिए। आज से 4 महीने पहले करीबन मैंने इस पर वीडियो किया था कि यहाँ पर नेपाली सरकार को रोकना चाहिए, और आपको आगे बताएंगे कि रशिया क्या क्या ऑफर दे रहा है नेपाली लोगों को कि वो रशियन आर्मी को ज्वाइन करे। और इसी के चलते अभी जाकर नेपाली सरकार का मूड खराब हुआ है, क्योंकि ऑफिशियल आंकड़े आए कि 6 नेपाली लोगों की डेथ हुई, लेकिन यहाँ पर बहुत सारी फैमिली इससे कनेक्टेड थी, बहुत सारे लोग इससे कनेक्टेड थे, और इसीलिए नेपाल की गवर्नमेंट ने ही कहा कि रशिया शुड कंपनसेट, पैसे देने चाहिए जिन लोगों की डेथ हुई है उनके लिए। क्योंकि आज से 4 महीने पहले मैंने ही एक वीडियो किया था, उसमें मैंने बताया था कि किस तरह से नेपाली लोगों को रिक्रूट किया जा रहा है रशियन आर्मीज में, जहाँ पर यूक्रेन के युद्ध में उनको झोंका जा रहा है, क्योंकि रशिया के पास इतने टाइम तक लड़ने के लिए आदमी नहीं है, तो कहीं से भी सोल्जर्स का अरेंजमेंट कर रहा है जिससे ये युद्ध चलता रहे। और इसीलिए अब नेपाली गवर्नमेंट ने अपील की है रशिया से कि जितने भी लोगों को आपने भर्ती किया है अपनी आर्मी में, नेपाली लोगों को उन सभी को वापस भेजा जाए। कि क्या एक गवर्नमेंट का फेल्योर था, या फिर आपको लगता है कि ये होने ही वाला था? अपनी राय जरूर कमेंट बॉक्स में कमेंट कीजिएगा। पर मेरे प्रोस्पेक्टिव से यहाँ पर गवर्नमेंट का काफ़ी ढीला रवैया रहा, क्योंकि ये चीज़ें 4 महीने पहले ही निकल चुकी थी, ओपन हो चुकी थी, और कहीं ना कहीं नेपाली गवर्नमेंट को पहले ही एक्शन ले लेना चाहिए, इसके चलते ये 6 नेपाली भाइयों की मौत ना होती, इनके परिवार सूने ना होते, कहीं ना कहीं वो खुद भी जिम्मेदार है इसके लिए, लेकिन गवर्नमेंट के रूल्स इनकी जान बचा सकते थे। तो आप लोग भी जानना चाहते होंगे कि रशियन आर्मी आखिर क्या दे रही थी, जिसके चलते नेपाली लोग इतना ज़्यादा रशियन आर्मी में जा रहे हैं और जाना चाह रहे थे, क्योंकि काफ़ी बड़े बड़े वादे रशिया की तरफ से किए गए जो भी रशिया की तरफ से लड़ेगा यूक्रेन के खिलाफ। और ये सब जानने से पहले इस वीडियो को स्पॉन्सर करने वाले एक एप्लीकेशन के बारे में, कि आप भी एक ऐसी एप्लीकेशन की तलाश में हो जहां पर विदाउट रिस्क सिर्फ प्रिडिक्शन करके पैसा कमाया जा सकता है, तो मैं आपको एक ऐसी एप्लीकेशन के बारे में बताता हूं जो कि है 1xBet। ये एक रिलायबल एप्लीकेशन जहां पर क्रिकेट, पोकर, फुटबॉल जैसे 100+ मैचेस, साथ ही साथ 300 से भी ज्यादा गेम्स है जहां पर आप लोग प्रिडिक्शन कर सकते हो और लाखों अर्न कर सकते हो। तो इंतजार किस बात का है, कमेंट बॉक्स में लिंक है, जाकर रजिस्टर करें अभी, और मेरा प्रोमो कोड जरूर यूज करें NINews, जिसके साथ आप लोग को हर डिपॉजिट पर मिल सकते हैं 26,000 तक की के बोनसेस। इस पर डिपॉजिट करना भी बहुत आसान है, कोई भी UPI, फोन पे, गूगल पे, कुछ भी आप लोग यूज करें, और भी पेमेंट मेथड है जिनको आप यूज करके यहाँ पर पेमेंट कर सकते हो। तो जाओ फटाक से रजिस्टर करो, लिंक इन दी कमेंट बॉक्स। तो रशिया ने नेपाली यूथ को कई तरीकों से अट्रैक्ट किया, साथ ही साथ यहाँ पर बहुत सारे एजेंट्स भी थे जो कि रशिया को नेपाली लोगों से कनेक्ट कर रहे थे और नेपाली को रिक्रूट कर रहे थे रशियन आर्मी में। अभी पता नहीं ऑफिशियली कितने नेपाली लोग रशियन आर्मी की तरफ से लड़ रहे हैं, और ये एक बहुत खराब डिटेल है, क्योंकि नेपाली गवर्नमेंट को ही नहीं पता कि उनके कितने सिटीजन रशियन आर्मी में और वो लड़ रहे हैं, और ये सभी कहीं ना कहीं रशिया की प्राइवेट आर्मी में, क्योंकि यहाँ पर रशिया में बहुत सारे प्राइवेट आर्मी ग्रुप हैं जिनको रशिया चलाता है, और उन्हीं में रिक्रूटमेंट किए जा रहे हैं ऐसे लोगों के। और इसमें काफी बड़े बड़े वादे किए गए हैं नेपाली लोगों से, जो कि कुछ ऐसे हैं। क्योंकि यहाँ पर सबसे अच्छा पग था कि यहाँ पर बहुत सारे पैसे मिल रहे थे, एक अच्छी सैलरी मिल रही थी, नेपाली रुपीस में बात करें तो 3 से 3.5 लाख रुपए पर मंथ की यहाँ पर सैलरी मिल रही थी। साथ ही साथ जो दूसरा पग था कि जो भी विदेशी है वो अगर ज्वाइन करते हैं
तो उनकी एक साल की सर्विस के बाद उनको रशिया की सिटीजनशिप मिल जाएगी। तीसरा पर्क ये भी था कि उनको फैमिली के साथ रशिया में सेटल होने के लिए भी आराम होगी। और इन आर्थिक तंगी की वजह से ही इन लोगों ने ज्वाइन भी किया, जो कहीं ना कहीं सही नहीं है, क्योंकि नेपाली को इस लड़ाई से कुछ भी लेना देना नहीं है। तो ये थी सारी ही वजह जो कि रशियन आर्मी में नेपाली यूथ को लेके जा रही थी, और ये कहीं ना कहीं आर्थिक तंगी की वजह से ज्यादा हो रहा है। हालांकि ये अच्छी बात है कि नेपाली गवर्नमेंट ने इस पर स्ट्रिक्ट एक्शन लिए हैं, देर सवेर भले ही लिए हों लेकिन लिए हैं। इससे काफी सारे नेपाली बच्चों की जान जरूर बचेगी, जो कि काफी ज्यादा जोश में रशियन आर्मी में जा रहे हैं और वहां पर यूक्रेन के खिलाफ लड़ रहे हैं। कई नेपाली यूथ जो कि पढ़ने लिखने गए थे, साथ ही साथ कई सेक्टर्स में जॉब करने गए थे, उनको इन्फ्लुएंस किया गया और उनको रशियन आर्मी में घुसेड़ा गया। और इसके पीछे कहीं ना कहीं रशिया भी जिम्मेदार है, क्योंकि यहाँ पर रशिया ऐसी चीजें कर रहा है जिससे लोगों को लालच हो और वो रशिया की तरफ से लड़े। हालांकि ये तो मेरी राय था, मैं गलत भी हो सकता है। आपकी क्या राय है इस पर कॉमेंट बॉक्स में कमेंट करके जरूर बताइएगा। साथ ही अगर आपको ये वीडियो थोड़ा भी इन्फॉर्मेटिव लगा हो, थोड़ा भी अच्छा लगा हो, तो इसको अपने फ्रेंड्स और फैमिली के साथ जरूर शेयर कीजिएगा। तो ऐसी और इन्फॉर्मेशन के लिए वीडियो को लाइक कर ले, चैनल को सब्सक्राइब कर ले, और देखते रहिए NI News।